तो है क्या हाल चाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग आज किसी को नई वीडियो में। यार सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर यार, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यार मैं आपसे बता दूं, हम ना अभी माइनक्राफ्ट में एक नया सर्वर बनाया। जो पुराना सर्वर था यार, उसमें बहुत पहले से खेल रहे थे। मैं चाहता था कि एक माइनक्राफ्ट की सीरीज बनाऊं एंड यार शुरुआत से ए टू जेड खेले हम। ये कैसी आवाज है मेरे घर में? ये भाई भाई क्या तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? क्या जबान यार है एक कि मार दूंगा आपको, फिर आपको पता चलेगा क्या कर रहा हूं। तेरी पैंस की। अब तू गया, अब तू गया मेरे को, मेरे घर में घुस के मारेगा तू? मेरे को मारेगा? इतनी हिम्मत तू मेरे को मारेगा? मेरे को मारेगा तू? पेंटा ऋषभ को मारेगा? तू जानता है मैं कौन है? तू जानता है मैं कौन है? हाँ, अरे बोलना कौन है? गली का डॉन। अरे साले, मैंने तूने डायमंड का आर्मर पहना हुआ है, मैंने नहीं पहना है। तुमने नेदरराइट का पहन के रखा। ओ ये सो गाइस, मैं बता रहा था आप सभी को कि मैं शुरुआत से बनाने वाला हूँ ये सर्वर। बनाए हुए मैं 3 दिन हुए हैं और जस्ट मैं बहुत ज्यादा कुछ इसमें प्रोग्रेस नहीं किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बस अभी तक अपना घर ही बनाया है, ठीक है? तो मैं अपना घर आप सभी को दिखा देता हूँ। मेरा घर कुछ इस तरीके से दिख रहा है गाइस, ठीक है? ये अपना छोटा सा फार्म है और इस घर में पहले ना मेरे साथ रहने वाले थे एंगी बॉय एंड आरव, ठीक है? तो यार मैं बता दूं कि वो बस फर्स्ट डे आए थे दोनों लोग, और इस घर में सिर्फ 10% 10% से भी कम का काम किया है आरव ने, जो कि जमीन को मतलब प्लेन करना था। तो वो 10% भी कहना ज्यादा ही है, तो फिर भी मैं 10% का क्रेडिट आरव को देता हूँ और 5% का क्रेडिट अदनान को देता हूँ और 0.something% का क्रेडिट प्रतीक को देता हूँ। एंड बाकी ना, ये जो पूरा घर है, मैंने पूरा घर खुद से बनाया है और कुछ ही घंटों में। और यहाँ पे ना, ये यहाँ पे आपको ऊपर चल के मैं अभी फूल दिखाऊंगा। फूल लेने के लिए मैं बहुत दूर गया था, यहाँ से 1 घंटे लग गए थे मेरे को लाने में। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहे वो गाइज यार, यहाँ पे ये सब फूल आप देख सकते हो, इनके नाम मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, बीच में एक वाटर सोर्स बना दिया है, चारों साइड डर्ट लगा दी है, चारों तरफ फूल लगाए हुए हैं। एंड एक अकाशिया का प्लांट लगा दिया था, सॉरी अकाशिया ओक का प्लांट लगा दिया था, ऐसे चारों तरफ मैंने कर दिया है। यहाँ पे मैंने ये फेंस लगाए हैं, उसके ऊपर अकाशिया लॉग लगाया है, एंड उसको ये ऐसे क्या कहते हैं, एक्स लेके ना उसको राइट क्लिक करते हैं, उससे जो भी हो गया वो स्प्लिट हो गई, छिल गई, जो भी हुआ वो हो गया, ठीक है? तो उसके बाद ये ऐसे दिखती है, ट्रिप कुछ हो गए, ट्रिप। स्ट्रिप हो गए, ठीक है? ये तभी होता जब आदमी माइनक्राफ्ट खेलता हो, पढ़ाई ये जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे यार टॉर्चेस लगाई कुछ इस तरीके से कि अपनी छत है, कुछ ऐसा नजारा दिखता है अपने घर से। आ जाओ यार, मैं आपको प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। एंड 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 यार, जितने भी लोग देख रहे हो ना, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल बना दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यार आज का थंबनेल कैसा है यार, कमेंट करके बता देना जरूर से। ये देखो यार, हमने जब नया चालू किया था ना घर बनाना, तो यहाँ पर अपने सामान रख रहे थे। आ जाओ मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कुछ। लाइक ये हमारा ना एरिया डिवाइड हो गया है कि बीच का विकास का ना उधर साइड का एरिया है एंड अपना एरिया इधर है। तो मैंने घर बनाया और बाकी जो भी मेरी चीजें होंगी मैं इधर साइड में बनाऊंगा। तो अभी मैंने ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं किया, दिखा देता हूँ बाकी जो। और हमारे इस सर्वर का नाम है गन्नापुर, तो हमने घर के चारों तरफ में गन्ने लगा रखे हैं। अभी इसमें और भी ज्यादा गन्ने होंगे क्योंकि सर्वर का नाम है गन्ना, तो यार गन्ने तो होने चाहिए ना गन्नापुर में, तो यार बेइज्जती सी हो जानी है। तो कोई ना, आज मैं आपको बेस्ट की प्रोग्रेस दिखाता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगे, उसके सामान भी दिखाएंगे। भाई साहब अभी बीस्ट है कि नहीं? बीस्ट नहीं है गाइस सर्वर में, चलते हैं यार बीस्ट का कुछ मॉल थोड़ा इधर उधर करके आके। बीस्ट को पता नहीं चलना चाहिए गाइस कि हम लोग उसके एरिया में जा रहे हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे बना रहा है बीस्ट अपना स्टोरेज तो एरिया। सारे जानवर मार देते हैं भाई ताकि वो साहब, रहे। उसको पता चल जाएगा मारेगा। गाइस ये रहा बीस्ट का फार्म। बीस्ट ने है ना यार काफी अच्छी प्रोग्रेस की, बीस्ट और हगू ने मिलके किया यार, मैं अकेला अपना घर बनाता रह गया। ये तो हगू गाइस ने भी नहीं किया, बीस्ट ने ही 90% बीस्ट किया, दस बीस्ट ने परसेंट ज्यादा मेहनत की। अब वो बीस्ट ही जाने कितना मेहनत किया। गाइस ये देखो क्या ही शानदार दिख रही है ना ये यार, बीस्ट ने बनाया ये, आप देख सकते हो गाइस क्या ही शानदार दिख रहा है ये उसका स्टोरेज रहेगा। एंड ये ना बीस्ट ने अपना आयरन फार्म बनाया है, कितना जल्दी करता है यार बीस्ट, कितने जल्दी यार, 3 दिनों में कितनी सारी प्रोग्रेस कर ली बीस्ट ने, बहुत ही शानदार यार। और सबसे पहले ओ ये क्या, यहाँ पे कोई भी
कोई भी बीस्ट ने ब्लॉक नहीं कर रखा है कि कोई और ना चुरा पाए। किसी ने देखा तो नहीं। चलो चलते हैं भाई लोग अपन ईगल प्रतीक लेते क्यों होते गाइस यहाँ पे देख लो यार हर चेस्ट में प्राइवेट प्राइवेट कैटर और विकास लिख रखा है यार मतलब कहीं से भी हम कुछ चुरा नहीं सकते बीस ने छोड़ो वो सब बातें भाई जानवर बहुत कम दिखने भाई मुर्गियाँ इतनी ज़्यादा क्यों थोड़ा सा मुर्गियों से बात करके आते हैं हेलो मुर्गी कैसी हो तब घर में बढ़िया चाची वाची अब बहुत हल्ला कर रही हो अब ओ गाइज अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ यार मेरे पास कोई ब्लॉक नहीं है जिससे मैं बाहर निकलूँ अब मैं क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार एक सेकेंड मेरे पास कुछ आइडिया है ओ ओ यार ये भी बाहर रह गया अब हमें क्या करना चाहिए अब एक ही काम हो सकता है गाइज यहाँ से मैं एक सुरंग बनाऊंगा जो बाहर जाएगी लेकिन मुर्गी भी आ सकते हैं इसमें थोड़ा सा रिस्क है बट हमें इतना रिस्क लेना पड़ेगा अंदर चलो थोड़ा सा रिस्क लेना आज कुछ तूफानी करते हैं गाइस इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले मुर्गी यहाँ क्या कर रही हो रे चलो बे ओके ओके और मैं यहाँ बाहर आ गया गाइस किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अंदर जाके ओके गाइस सो ये था यार बीस्ट का कुछ जो भी मैं बता दूंगा तो ओ नहीं यार तेरी भी क्राउंड मेरे को पता है भाई पता है आज क्या नाम है वीडियो बनाने से पहले जस्ट मैं और ये खेल रहे थे और ये रहा निखिल का घर निखिल ने बहुत ही मेहनत से यार अपना घर बनाया था और प्रतीक ने ना उसके घर के बाहर ट्रैप लगाया हुआ था ठीक है मैंने देखा है नया घर बनाया चलो देखते हैं और यहाँ पे ना कुछ इस जगह एक बटन लगी हुई थी मैंने उसको दबाया ऊपर से लावा गिर के आया इसने वो प्रतीक के लिए किया था सोचा था कि प्रतीक आएगा एंड वो मर जाएगा बट यहाँ मेरे साथ कांड हो गया एंड अगर मैं उसका घर जलाऊंगा तो वो मुझे डायमंड देगा भाई 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 ये देख रहे हो मेरे को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है यार मैं नहीं फंसूंगा यार मैं निखिल को बता दूंगा और यार मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं ना ये घर बनाया निखिल ने था जलाया प्रतीक ने और बीस्ट के आने के बाद ना बहुत ही बुरा पिटने वाला है ओ ये टर्टल यहाँ क्या कर रहा है खैर हमें क्या करना है तो हम चलते हैं अपने घर पे तो गाइस ये थी हमारी सर्वर की छोटी सी इंट्रो वीडियो यार अब से रेगुलर ना हमारी सर्वर की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मैंने दिखा दिया अभी तक हमने कितनी प्रोग्रेस की है तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और यार आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर और हाँ गाइस यार एक बात बता दूं यार कि लाइव स्ट्रीम मैं नहीं कर पाया यार कुछ की प्रॉब्लम्स हैं यार मैं क्या क्या बताऊं एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया ना उसके लिए सबसे पहले यार आपसे माफी मांगना चाहूंगा लाइव स्ट्रीम के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाली थी बट कोई ना वीडियो डाल दी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स नहीं तो अगर लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाता तो मैं वीडियो जरूर डालूंगा यार रेगुलर अपडेट्स भी होते रहेंगे तो प्लीज यार गाली मत देना और यार प्लीज 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 लाइक कर देना।